हेलो स्टूडेंट, आई एम अद्भुत प्रकाश द्विदी। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू फाइंड इमेज एंड फूट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अ पॉइंट एक्स वन कामा वाई वन कामा जेड वन विथ रिस्पेक्ट टू आर गिवन प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। तो बच्चों, आप रिजल्ट लिखिए। पहले इमेज के लिए आप रिजल्ट लिखेंगे एक्स आई माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई ए इक्वल वाई आई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई बी इक्वल जेड आई माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई सी इक्वल माइनस टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी टोटल डिवाइडेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बच्चों, इसी चीज को जब हम लोग 2D में मतलब स्ट्रेट लाइन के लिए यूज करते थे तो क्या होता था, ये टर्म नहीं होता था और यहां पर सी जेड नहीं होता था, यहां सी स्क्वायर नहीं होता था, डी की जगह सी होता था। तो 2D के ही आप कॉन्सेप्ट को 3D में यूज कर सकते हो। और फूट ऑफ परपेंडिकुलर की अगर बात करें तो बच्चों, फूट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए फार्मूला होता है एक्स एफ माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई ए वाई एफ माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई बी जेड एफ माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई सी इक्वल माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और बच्चों, यहां पर जो एक्स आई वाई आई जेड आई है ये किसके कोऑर्डिनेट है, इमेज के। और फूट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एफ कामा वाई एफ कामा जेड एफ। तो आप इसको अपने पास कहीं पर नोट कर लें। इमेज के लिए आप ये लगाओगे, फूट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए आप ये लगाओगे। जब एक्स आई निकालना होगा तो फर्स्ट और फोर्थ को सॉल्व करेंगे, जब वाई आई निकालना होगा तो सेकेंड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे, जब जेड आई निकालना होगा तो थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे। सेम चीज इसमें, एक्स एफ के लिए फर्स्ट एंड फोर्थ, वाई एफ के लिए सेकेंड एंड फोर्थ, जेड एफ के लिए थर्ड एंड फोर्थ। अब बच्चों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों, क्वेश्चन है अपने पास फाइंड द फूट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट वन कामा टू कामा माइनस वन, यानी कि पॉइंट गिवन है वन टू माइनस वन, एक्स वन की वैल्यू कितनी होगी बच्चों वन, वाई वन की वैल्यू टू एंड जेड वन की वैल्यू माइनस वन। एंड विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन या मिरर बात देखिए, एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड प्लस सिक्स इक्वल जीरो। तो बच्चों, इस टाइप से जो यहां वन है ये ए की वैल्यू है, टू बी की वैल्यू है, माइनस वन जो है बच्चों ये सी की वैल्यू है, ये बच्चों वैल्यू किसकी है, डी की। तो प्लेन ये है आपके पास, पॉइंट ये है, अगर तो फूट ऑफ परपेंडिकुलर ये होगा बच्चों, इमेज आपके पास ये होगी, इसके कोऑर्डिनेट एक्स एफ कामा वाई एफ, इसके कोऑर्डिनेट एक्स आई कामा वाई आई, ये आपकी इमेज है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग फूट ऑफ परपेंडिकुलर देखें। अगर तो फूट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए फार्मूला यूज करेंगे एक्स एफ माइनस एक्स वन या एक्स एफ डिवाइडेड बाई ए वाई एफ माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई बी जेड एफ माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई सी। और बच्चों, इक्वन कितना आता है तो उसको हम इधर लिख दे रहे हैं, आप देखें ध्यान से, माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी टोटल डिवाइडेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं, एक्स एफ ऐसे ही रहेगा, एक्स वन की जगह बच्चों क्या आएगा वन डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी है बच्चों वन, वाई एफ माइनस वाई वन की जगह बच्चों आएगा टू डिवाइडेड बाई बी की वैल्यू कितनी है अपने पास टू,
जेड एफ माइनस जेड वन की जगह बच्चों आएगा माइनस वन और माइनस 180 तो प्लस वन डिवाइडेड बाई सी की जगह आएगा अपने पास माइनस वन इक्वल बच्चों यहां पर देखिए हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं माइनस साइन आएगा। इन एक्स वन वाई वन और जेड वन को कहां रखेंगे प्लेन में, प्लेन अपने पास था एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड प्लस सिक्स तो बच्चों जब वन रखेंगे वन प्लस टू इंटू टू कितना हो जाएगा फोर यानी कि फाइव माइनस माइनस वन कितना हो जाएगा सिक्स प्लस सिक्स कितना आएगा बच्चों ट्वेल्व डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वन का स्क्वायर वन टू का स्क्वायर फोर माइनस वन का स्क्वायर वन यानी कि सिंप्लीफाई करेंगे सिक्स आएगा ये कैंसिल आउट होकर टू। अब बच्चों जब फर्स्ट और सेकेंड फर्स्ट और फोर्थ को लेंगे तो एक्स एफ बराबर आएगा यहां हो जाएगा ये माइनस टू ये वन ट्रांसफर होगा तो इस टाइप से माइनस वन। सेकेंड और फोर्थ को लेंगे तो वाई एफ इक्वल टू का इधर प्रोडक्ट होगा माइनस फोर टू ये ट्रांसफर होगा प्लस टू यानी कि माइनस टू और जेड एफ जो होगा अपने पास वो आएगा अपने पास माइनस माइनस प्लस टू माइनस वन यानी कि वन। बच्चों आप एक चीज और भी देख सकते हैं ये फुट आप परपेंडिकुलर जो होगा माइनस टू वन माइनस टू और वन ये प्लेन पर लाई करेगा तो इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाइज भी करना चाहिए। माइनस वन माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स और प्लस सिक्स कितना हो जाएगा बच्चों जीरो तो आपका सेटिस्फाइज कर रहे हैं। तो फुट आप परपेंडिकुलर के लिए तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे आप फाइंड करने जाएंगे। अब बच्चों जब आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर समझ गए तो हम लोग इमेज कैसे फाइंड करेंगे इसी में करेक्शन करके देखते हैं। यहां पर हो जाएगा इमेज ये तीन टर्म सेम रहेंगे और यहां पर जो आपके पास है इसमें यहां पर आपके पास टू यूज हो जाए यानी कि जब आपने ये वैल्यू निकाली होगी इंटू टू भी आएगा तो इस टाइप से अब ये कितना बनेगा फोर। तो चलिए देखते हैं यहां पर एक्सेप्ट की जगह सभी जगह एक्स आई वाई आई जेड आई एक्स आई वाई आई जेड आई यहां पर बच्चों अपने पास क्या चेंजेस हो जाएंगे एक्स आई इक्वल वन का माइनस फोर ट्रांसफर करोगे तो बच्चों आएगा माइनस थ्री। नाउ वाई आई इक्वल टू टू का जब माइनस फोर में होगा तो माइनस एट प्लस टू यानी कि बच्चों आएगा माइनस का सिक्स। इसके बाद जेड आई के लिए आपके पास आएगा अगर ध्यान से देखें माइनस वन माइनस फोर कितना हो जाएगा फोर वन ट्रांसफर होगा माइनस वन तो बच्चों ये कितना आया थ्री। तो इस टाइप से ये तो बना था फुट ऑफ परपेंडिकुलर बट इमेज अपने पास बनेगी माइनस थ्री माइनस सिक्स और थ्री। अच्छा बच्चों एक चीज और भी देखें आंसर कैसे आप चेक कर सकते हैं क्योंकि इमेज और पॉइंट का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। आप देखें वन प्लस माइनस थ्री यानी कि माइनस टू डिवाइडेड बाई टू बच्चों कितना आएगा माइनस वन जो आ रहा है टू प्लस माइनस सिक्स यानी कि माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू कितना आएगा माइनस टू वो आ रहा था माइनस वन प्लस थ्री प्लस टू डिवाइडेड बाई टू बच्चों कितना आएगा वन तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर में वो वन था। तो बच्चों उम्मीद है कि आप किसी प्लेन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट का हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज कैसे फाइंड करते हैं उसको आप बेहद आसानी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अगर इस कॉन्सेप्ट का किसी क्वेश्चन में यूज होता है या डायरेक्ट किसी कंपटीशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप उसको इस मेथड के थ्रू डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक यू।